बर्फ के ओले गिर रहे हैं और भाई यहाँ पे आग जला रहे हैं, देखिए। और मौसम एकदम से बिगड़ गया, ऊपर ऊपर देखिए दोस्तों, बर्फ गिरना शुरू हो गई है। हरे हम दोस्तों, शाम के करीब 5:30 बज गए हैं और मैं छितकुल से करीब 2 किलोमीटर पीछे आया हूँ। यहाँ पे गद्दी फुटबालकों ने डेरा लगाया हुआ है। एक्चुअली हम आगे जा रहे थे किसी काम से, लेकिन ये हमें दिख गए रोड साइड ही। ये देखिए सुंदरी मैंने वहाँ पे खड़ी की है, कहाँ जैसे, हाँ तो यहीं पे रुक गए अभी। भाई आप कहाँ से हो? रोडू रोडू। अच्छा डोडराक्वार से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अभी तड़का लग रहा है। सुनोज भाई को जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो भी डोर रखवाते हैं, उनकी मैंने ब्लॉग शूट किए हैं। पर अब डाल रहे हैं भाई नमक। बना क्या रहे हो भाई आज? दाल बन रही है। अच्छा अच्छा दाल। मैं जा रहा हूँ यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पे भी भेड़ पालक आए हैं ये बोल रहे हैं, तो चलते हैं अभी। तो ये आ रही है दोस्तों इनकी भेड़े, देखिए, और वहाँ तक लाइन है, देखिए बहुत ज़्यादा है। पढ़ते तो नहीं है खाने? ठीक ठाक हो? ये जो आप इनके नाक पे करते हैं ना, ये खुद करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? ये बीमारियों से जी। अच्छा बीमारी से बचाने के लिए? बीमारी से बचाने के लिए सर। अच्छा अच्छा, ये कितने देर पहले हुआ पैदा? बस ये 10-15 मिनट पहले हुआ सर। 10-15 मिनट पहले? 10-15 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मिलते हैं। कल तो यही हुआ बना? हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं, ये देखिए। हेलो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों इनका बड़ा बकरा, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट। और वहां पे टूरिस्ट हॉर्न बजाने लग गए हैं। इसके सींग देखिए दोस्तों, ठीक ठाक हो? इनका कुत्ता देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी चलते हैं, चलें भाई। तो वहां से 2 किलोमीटर आगे हम आ गए हैं और यहाँ पे नीचे देखिए ग्राउंड में बहुत सारी भेड़ बकरियां चल रही है। यहाँ पे मैंने ये खड़ी कर दी, अब चलते हैं ना भाई जी। उतरना कहाँ से? परे से। परे से। एक्चुअली वहां जैसे खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी तो यहाँ पे खड़ी की। तो अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं। फाइनली पहुंच गए, अभी हम डेरे के पास पहुंच गए। और देखिए यहाँ पे थाली में गुच्छे रखी हुई थी भाई ने, ये आपको कहाँ मिली भाई? इधर आ गई जंगल में। अच्छा जंगल में? हाँ जी, कल भी मिली थी। कल भी मिली थी? हाँ जी। तो दोस्तों ये 15-20 हज़ार रुपये किलो बिकती है और दवाइयों में भी इसका यूज होता है। देखिए सब्जी भी बनती है। आपने सब्जी बनाई थी? परसों बनाई थी, 2-3 दिन पहले। टेस्टी होती है? हाँ जी। एक टाइप का मशरूम ही होता है ये। हम भी ढूंढ रहे थे अभी, लेकिन हमें मिली नहीं। किस्मत की बात होती है, जंगल में होती है, पहाड़ों पे अगर किस्मत अच्छी होगी तो आपको चलते चलते मिल जाएगी, नहीं तो अगर आप ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। और खाने क्या बन रहा है अभी? राजमा दाल चावल। राजमा? हाँ जी। नमक डाला है? नमक डाला, खा लिया, पानी से बचाना है। अच्छा अच्छा, देखिए नमक खा रही है यहाँ पे ये। पिछली बार भी आए थे आप? नहीं नहीं, पहली बार। हाँ जी। जैसे आप छितकुल से आगे जाओगे ना, 3 किलोमीटर आगे पोस्ट है, वहां से आगे सिर्फ गद्दी लोगों को जाने देते हैं। कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो आप चार्जिंग कैसे करते हो? वहाँ से आगे आर्मी वालों के पास उठ के आगे।
बर्फ के ओले गिर रहे हैं और भाई यहाँ पे आग जला रहे हैं, देखिए। और मौसम एकदम से बिगड़ गया, ऊपर ऊपर देखिए दोस्तों, बर्फ गिरना शुरू हो गई है वहाँ पे भी। बर्फ से बचने के लिए ये भी यहाँ पे बैठ गई है। और आपको मैं बताऊँ, इतनी ठंड में ही है इन कपड़ों की वजह से बच रहते हैं, क्योंकि देखिए ये भेड़ के ऊन से बने ना भाई, ये भी ये देखिए, और ये बकरी के ऊन से, इसके ऊपर पानी नहीं आता, ये नीचे भी छाते अच्छा इनका। और ये दोस्तों पहाड़ी टोपी, किनौरी टोपी है ना ये, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए इसके अंदर पानी नहीं जाता, भेड़ के ऊन से बना है, जो कि भेड़ बाहर खड़ी है अभी, ये देखिए। ठीक है भाई, फिर चलते हैं हम, है ना। लिख लिया नंबर, ठीक है फिर, है ना। मौसम देखिए दोस्तों, बर्फ गिरना शुरू हो गई है, और यहाँ पे जितनी भी भेड़ें हैं एक जगह बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई हैं, और मैंने ऊपर सुंदरी खड़ी की है बिल्कुल मोड़ पे। चले भाई, ये इनका डॉग, तो अभी ये हमें रास्ता बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो दोस्तों ऐसे इधर से आ गए थे खुद रास्ता बनाते हुए, लेकिन अभी इनसे पूछ के जा रहे हैं हम, ताकि जल्दी पहुंच सके ऊपर। ये मिंडा है आपका? दोनों ये बिजू है, भेड़ के बीजू। अच्छा, ये दोनों दोस्तों नस्ल के लिए रखे हैं ना, नस्ल के बीज के सर। हाँ, बीज के। अच्छा अच्छा, तो कितनी भेड़े हैं? भेड़े हैं हजार एक है। हजार? हाँ जी। जबरदस्त, तो कोई चलते हैं अभी हम, ना। ठीक है ठीक है। देखिए भाई, तो वहाँ पे पहुँच गए, अभी ऊपर चढ़ना है। नीचे से हम आ गए, बाकी देखिए सामने ताज़ा बर्फबारी हुई है, तो अभी चलते हैं यहाँ से। दोस्तों भेड़ बालकों के डेरे से मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं। बाकी जब ओले गिर रहे थे, मैं सुंदरी चला रहा था, इतनी दर्द लग रही थी ना हाथों में, क्या बताऊं मैं। अब जैकेट मैंने खोल दी, ऊपर रख दी है, एक कंबल ये है, एक इसके बाद ये है, एक ये है, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। तो अब मैं सो जाता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।